हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। अब आज का जो टॉपिक है वो है सेफ हैंडलिंग ऑफ मशीन्स, यानी कि सेफ हैंडलिंग ऑफ मशीनरी भी बोल सकते हैं उसे, है ना। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है और बाकी जो मशीन्स हैं जो भी अपने जिस भी वर्क प्लेस पर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे तो यूज़ होती ही हैं और भी होने वाले वर्क्स पे जो वर्क प्लेस पे ये मशीन्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे उनकी हैंडलिंग करनी है, सेफ हैंडलिंग हम कैसे करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हैंडल टूल्स, टूल्स जो भी रहते हैं, हम जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी, जैसे कि हैमर यूज़ कर रहे हैं, सॉ यूज़ कर रहे हैं, है ना, हथौड़ा, छेनी, पेचकस, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हमें सबसे पहले उनकी टूल्स की, जो पोर्टेबल टूल्स रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी हमें किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहली बात तो हमें उन्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हमें सेफ्टी से करने के लिए हमें अपने PPEs वेयर करने होंगे, ठीक है। तो जब भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, जब भी हम हैंडल टूल्स की बात कर रहे हैं, पोर्टेबल पावर टूल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में, तो हमें उन्हें कैसे मटेरियल से वो बने हुए हैं, उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन से टूल्स यूज़ होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उनकी मेंटेनेंस हमें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात कर रही हूँ मैं, वो है सेफ़ यूज़ ऑफ हैंड टूल्स, मतलब जो भी हैंड टूल्स रहते हैं, जो कि जो मैंने बताया, हथौड़ा होता है, ठीक है, पेचकस होता है, छेनी होता है, जिससे कि कुछ ना कुछ मटेरियल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम पोर्टेबल मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें वो गुड क्वालिटी के मटेरियल होने चाहिए पहले तो, वर्क करने के लिए वो इतने सूटेबल होने चाहिए कि ऐसा ना हो उनको उनसे काम करें तो हमें ही उल्टा हमारे एक्सीडेंट्स हो जाए या हमें कुछ लग जाए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में देनी होंगी, है ना। तो इसमें यही बताया गया है, जब भी आप कोई भी टूल्स वगैरह, कोई भी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको अपनी सेफ्टी बचानी है, हमें अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम उस टूल के बारे में पहले तो जान लेंगे कि ये टूल कैसे यूज़ होता है। अब जैसे दो चीज़ें तो मैंने गिना दी, तो ये आसान लग रहा है। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम पहली बार देख रहे होते हैं, है ना, तो जब वो आपको अगर यूज़ करने में आता है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसे यूज़ ना करें। अब देखिए, जैसे कि कोई मशीन है, बड़ी मशीन है, उसमें आपको वर्क करना है, आप कुछ भी उसमें कर रहे हैं, अब आपको उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, आप कोई भी मशीन है, तो इस तरीके से आपको कोई भी शॉक लग सकता है, कोई भी छोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उससे भी बचना है। तो उसके लिए भी ये बताया गया है कि जितनी भी आप सेफ्टी रखना चाहते हैं, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जब अवेयरनेस होगी तभी आप आगे जो सेफ्टी है वो मेंटेन रख पाएंगे ना। तो उसी के बारे में बात की गई है कि आपको हैंडलिंग कैसे करनी है टूल्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बताई गई। कुछ छोटी मोटी सेफ्टी है मशीन सेफ्टी की, जो कि है जैसे कि आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसे सेफ्टी के साथ और करेक्ट वे में यूज़ करें, लूज क्लॉथ्स ना पहने, क्लॉथिंग जो भी है आप अच्छे से टाई करके वेयर करके पहने, है ना। इससे कि क्या है, मशीन्स में वो आपका कोई भी लूज क्लॉथ्स पहनेंगे अगर वो फंस जाए कपड़ा, तो आपको दिक्कत ना आए। आपके लॉन्ग हेयर्स है, गर्ल्स अगर वर्क कर रही है तो उनके लिए भी है लॉन्ग हेयर्स है, तो उन्हें टाई अप करके काम करें। डिवाइसेस जो हैं वो जिस मशीन पर वर्क चल रहा है केयरफुली वर्क करें, और काम होने के बाद स्विच ऑफ मशीन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए मशीनरी सेफ्टी हम ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं। किसी मशीन के साथ आप काम कर रहे हैं, अभी आपकी कटिंग चल रही है, कुछ भी चल रही है, आपने उसको मशीन को यूज़ में लिया, देन उसके बाद अगर आप उसे ऐसे ही चालू छोड़ देते हैं या वर्किंग कंडीशन में उसे छोड़ देते हैं, बाकी कोई भी आके उसे छूता है, उसको शॉक लग जाता है, तो इसमें आपकी गलती होगी ना। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे सेफ्टी के साथ करें, सेफ्टी के साथ साथ केयरफुली काम करें। केयरलेसनेस इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी, केयरलेसनेस से क्या होगा, आपका काम तो काम बिगड़ेगा, साथ में एक्सीडेंट्स भी हो जाएंगे। तो हमारा काम तो मेन यही है ना कि हमें एक्सीडेंट्स कम करने हैं, मेजर माइनर इंजरीज अपनी कम करनी है, तो उसी के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे। मशीन हैज़ार्ड्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई वर्किंग कंडीशन वाली मशीन है, ठीक है, जैसे कि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वो आपके प्रोडक्शन में यूज़ की जा रही है पर उससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। उसका मेंटेनेंस कराना होगा, उस पर करने वाला वर्कर जो है वो सारी चीज़ें बताएगा, मशीन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की, तो इस तरीके से आपको उसके बारे में अवेयरनेस होगी कि इस मशीन में ये खराबी है ना। तो उसके बाद आप जान पाएंगे, बता पाएंगे कि हाँ मशीन जो है वो ये खराबी चल रही है,
रही है तो उसका क्या है, मेंटेनेंस करवाया जाएगा। जब मेंटेनेंस हो जाएगी तो हमें पता होना चाहिए इस मशीन के साथ हमें कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, किस तरीके से सेफ्टी मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें। तो हैंडलिंग में हमें यही बताया गया मशीनरी हैंडलिंग में कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इतनी सेफ्टी के साथ करें कि होने वाले एक्सीडेंट से हम बच सकें। ठीक है, तो मशीन्स जो हैं, मशीनरी मटेरियल जो भी हैं वो पोर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन पोर्टेबल भी हो सकते हैं। पोर्टेबल एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, है ना, नॉन पोर्टेबल एक ही जगह रहेंगे। तो बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं वो नॉन पोर्टेबल रहती हैं, उनको एक से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता, पर हमें उन पर अच्छे से वर्क करना होगा क्योंकि उनसे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी मशीन है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो हमें अपनी सेफ्टी देख के चलना है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक चल रहा है अभी, सेफ हैंडलिंग ऑफ मशीनरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने लैडर वगैरह सब कुछ आपको समझा दिए थे, लैडर कितने मीटर की लेनी चाहिए, क्या होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें, स्काफ फोल्डिंग वगैरह। आज नेक्स्ट टॉपिक उसका बना है सेफ हैंडलिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उसका थोड़ा सा पार्ट ये एक्सप्लेन किया है आज मशीन हैंडलिंग का, यही दो तीन पॉइंट इसके एक्सप्लेन किया। सेफ़ यूजिंग ऑफ हैंड टूल्स एंड पोर्टेबल पावर टूल्स, इनकी मैंने थोड़ी सी लाइंस एक्सप्लेन की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग सेफ्टी की इस तरीके से ही होगी। ठीक है, सो थैंक यू।